हेलो एवरीवन, दिस इज़ नोमान एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों के साथ नोमान हाजिर है जी, आप लोगों के लिए एक नई वीडियो के साथ। होपफुली आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। आज की वीडियो में आपके ख्वाबों यानी ड्रीम्स के मुतालिक कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लेके आया हूँ, सो डोंट स्किप द वीडियो एंड मेरे साथ। पहले जो हम लोग ड्रीम्स के मुतालिक, ख्वाब के मुतालिक बात करने वाले हैं वो ये है कि जब आप सो रहे होते हैं तो आप लोगों का जो बॉडी पार्ट्स है ना, वो कैलोरीज को बर्न कर रहे होते हैं। ठीक है, ख्वाब देखते हुए सोते हुए आपकी कैलोरीज बर्न हो रही होती हैं। जब टीवी देख रहे होते हैं ना आप, तब आपकी कैलोरीज बर्न नहीं हो रही होती। सो ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट था। नेक्स्ट ये कि आप लोगों के ख्वाब आप लोगों की लाइफ का इम्पोर्टेंट पार्ट है। हम बोलते हैं कि जब आप ख्वाब देखते हैं तो आपको जीने की एक लगन पैदा होती है। तब आप ख्वाब देख चुके होते हैं तो 50% ख्वाब 5 मिनट के बाद आप लोग भूल जाते हैं, और 10 मिनट के बाद तो मैक्सिमम लोग 90% ख्वाबों को फॉरगेट कर देते हैं, भूल जाते हैं। बच्चे जो हैं ये भी ख्वाब जारी सी बात देखते हैं, लेकिन 3 साल की उम्र तक वो दूसरों के मुतल ख्वाब देखें अब देखते हैं, अपने आप के मुतल ख्वाब नहीं देखते जी। तो अगला फैक्ट आप लोगों के लिए हाजिर है कि कभी कभी हम लोग ख्वाब के अंदर ना कुछ आवाज़ें सुनते हैं, तो हम क्या करते हैं कि हम उसी को इंटीमेट करना शुरू कर देते हैं, इंटरपोर्ट करना शुरू कर देते हैं हमारी लाइफ के मुताबिक। सोते हुए हम उसी तरह की आवाज़ें बोलना शुरू कर देते हैं। ठीक है, एक नॉर्मल पर्सन एक रात के अंदर तकरीबन 4 ख्वाब देखता है, और उस हिसाब से एक इंसान एक साल के अंदर जो है वो 1460 ड्रीम्स जो है वो एक रात के हिसाब से साल पूरा जो है वो देखता है। अगला फैक्ट जी आप लोगों के लिए कि आपको पता है कि ख्वाब तो हर कोई देखता है, तो जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं, जो कि मतलब जिनका बच्चा होने वाला होता है या जो हमला होती हैं, वो ख्वाबों को नॉर्मल लोगों की नस्बत ज़्यादा याद रखती हैं। उसकी वजह यह कि हार्मोनल चेंजेस उनके अंदर बहुत ज़्यादा हो रहे होते हैं। अगर आप किस ख्वाब में किसी ने अपने आप को उड़ते हुए देखा है तो इट मीन्स के उसके लिए खुशी आने वाली है, और उसके लिए आज़ादी और फ्रीडम मिलने वाला है उसे किसी चीज़ से। ठीक है जी, सो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, कुछ ख़ास बातें थी जो आपके कोश गुजार करनी थी। अब अगर आप ख्वाब में अपने आप को भागता हुआ देख रहे हैं, ठीक है जी, आपने ख्वाब में देखा है कि आप किसी जगह पे भाग रहे हैं, ठीक है, सो रनिंग इन अ ड्रीम मीन्स इट कैन सिंबलाइज द फियर एंड एस्केप, यानी आपका कोई डर है या आप किसी चीज़ से भाग रहे हैं, डर रहे हैं, तो वो आप ख्वाब में इस तरह से देखेंगे। तो ख्वाब आप लोगों की ज़िंदगी का इम्पोर्टेंट पार्ट है। जो लोग ख्वाब देखते हैं उन्हीं में जीने की लगन होती है और वही आगे बढ़ते हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को मज़ीद अच्छा बनाने के लिए वीडियोस के नीचे कमेंट किया करें, लोगों को कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करना चाहिए। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।